जी सर। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाफ पे हम जो यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने जो डेटा दिख रहा है, अब इसे हम नॉर्मल फॉर्मेट करते हैं कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेटिंग हो गए, ठीक है। फॉर्मेटिंग में अगर इसके अंदर जो वैल्यू है क्या है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग इस चीज को नहीं देखता है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग इस चीज को नहीं देखता है कि आपने क्या फॉर्मेट किया हुआ है, वो देखता है जस्ट फॉर्मेट सिलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग है तो वो फॉर्मेटिंग कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर एक्शन पे, किसी वैल्यू पे मैं, तो उस केस में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो कलर है, कलर है, लेकिन मैं इसके अंदर कलर ये चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो मोर देन 10 है, 50 है, वो कलर है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे बहुत सारे एरिया, लेकिन याद रखिएगा पहले आपको सिलेक्शन करना होगा। जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे आप उतने पे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उतना ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। बताया था आपको, आपकी इंटरनेट स्लो है। हाँ जी सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। मैं बोला था कि हमें क्या करना है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन स्पेस को अप्लाई करना है, तो मैं जितना एरिया सेलेक्ट करूंगा उतने एरिया पे हमें कंडीशन देना है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास दिख रहा है आपको। तो यहाँ हम ग्रेटर देन में ऊपर करना है तो ग्रेटर देन क्लिक करेंगे और यहाँ पे 50 हमने लिखा, जो भी नंबर 50 से ऊपर है यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया हाईलाइट। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, राइट जी सर, अपने हिसाब से भी फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी फीचर्स आपके लिए सुटेबल नहीं है तो कस्टम फॉर्मेट में जाइए। कस्टम फॉर्मेट में यहाँ फिल का ऑप्शन आएगा, यहाँ फिल के ऑप्शन में अपने हिसाब से जो कलर चाहिए वो कलर चूज करें, जो फॉर्मेटिंग चाहिए चूज करें। और जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया है जस्ट अप्लाई होकर रह जाएगा, ये वैल्यू अपडेट होने पे अपने आप को चेक करेगा। जैसे 51 यहाँ दिख रहा है कलर्ड है, लेकिन जैसे मैं आपको 15 करूंगा कलर हट जाएगा, और जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 62 कर दिया तो एक कंडीशन क्राइटेरिया मैच किया तो वापस कलर हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है कि हमेशा आपके कंडीशन को चेक करते रहता है और जैसे कंडीशन मैच होती है आपकी कलर जो है अप्लाई हो जाता है, ठीक है जी सर। दे रहे कोई डाउट इसमें? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि और क्या क्या है इसमें देखना। तो हाईलाइट में आपका लेस देन है, किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच, इक्वल टू आपका हो गया कि हाँ एक एग्जैक्ट सेल नंबर। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं ग्रेटर दैन लेस दैन एंड बिटवीन, ग्रेटर दैन लेस दैन एंड बिटवीन, ये आपके दो नंबर के बीच की वैल्यू को, तो इसमें आप क्या डाल सकते हैं, इसमें आपके डाल सकते हैं टेक्स्ट, इसमें आप डाल सकते हैं माफ कीजिएगा, मतलब कि लेस दैन बिटवीन और ग्रेटर दैन में आप डाल सकते हैं नंबर्स डेट एंड टाइम, इसमें आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते,
जैसे डेट अगर डालना है तो मैं चाहता हूँ दो कुछ कोई डेट से बड़ा डेट हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन में करेंगे तो ये आपके सामने डेट आ गया। जी सर, डेट का फॉर्मेटिंग जो मर्जी डालना है डाले, यहाँ पे डेट डाल सकते, ठीक है। जी सर, तो उसी तरह से नंबर्स डाल सकते, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं डाल सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रेटर देन इंदर या ग्रेटर देन डीवीडी, ऐसा नहीं डाल सकते। बट इक्वल टू में आप सब कुछ डाल सकते हैं। इक्वल टू में मैंने आपने किया सीडी, तो एग्जैक्ट सेल वैल्यू, जी हाँ, एग्जैक्ट सेल वैल्यू को हाईलाइट करेगा, ठीक है। बट एग्जैक्ट सेल वैल्यू में दिक्कत होता है कि जैसे यहाँ पे दिल्ली है और मान लीजिए मैंने नीचे न्यू दिल्ली दिया हुआ है, पर मैंने सिटी को सिलेक्ट करता हूं और यहां हम इक्वल टू में दिल्ली कर दिया, आप देख दिल्ली हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट सेल वैल्यू है। मैं चाहता हूं कि भाई दिल्ली न्यू दिल्ली तो सेम ही है, तो यहां पे हम इक्वल टू ना करके टेक्स दैट कंटेन, जी हाँ, टेक्स दैट कंटेन पे आऊंगा, यहां पे मैं न्यू दिल्ली कर दूंगा, माफ कीजिएगा, दिल्ली कर दूंगा। तो दिल्ली अकेले है या न्यू दिल्ली के साथ है, दोनों केसेस में ये दोनों साथ है। ओके, जी सर, दोनों केसेस में हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। बात करते हैं डेट ऑफरिंग की। एक बार मैं क्रेडिट सिस्टम डेट डालता हूं, मैं मैं डेट अगर मान लीजिए कि मुझे आज का डेट हाईलाइट करना है, तो टुडे में जाऊंगा और आज की डेट क्या है हमारा 26 है, तो मैं 11/26 करता हूँ, हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन जी सर, आज का डेट ही हाईलाइट रहेगा, मैं कल भी फाइल खोलूंगा तो 26 नवंबर ही हाईलाइट होगा। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हाईलाइट हो, तो मैंने यहाँ इक्वल टू यहाँ डेट ऑफरिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टडी सिलेक्ट है, मैंने आज टुडे कर दिया, तो ये हमेशा सिस्टम डेट हाईलाइट करेगा हमेशा, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे टुडे है, टुमोरो है, इन द लास्ट 7 days है, लास्ट वीक है, दिस वीक है, नेक्स्ट वीक है, लास्ट मंथ है, दिस मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, ये चीज आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हाईलाइटेड आप कर सकते हैं। जी सर, उसके बाद यहाँ आता है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में क्या है कि आप कोई भी वैल्यू मोर देन वन टाइम है उसको हाईलाइट कर सकते। तो हम बात कर रहे थे, हमने अभी बताया डुप्लीकेट वैल्यू कि किसी सिलेक्टेड एरिया में कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है तो उसको कैसे हाईलाइट करें, तो यहां का डुप्लीकेट वैल्यू आता है। डुप्लीकेट वैल्यू चेक करता है कि सिलेक्टेड एरिया में मोर देन वन टाइम अगर कोई नंबर है उसको हाईलाइट। जी सर, हाँ क्या? जी सर, मोर देन वन टाइम है उसको हाईलाइट कर देगा। सेम नंबर है, सेम नंबर, यूनिक है, तो यूनिक एक ही बार है उसको हाईलाइट कर देगा। तो डेट ऑफरिंग में आपने सीखा कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, ए डेट ऑफरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। इस तरह कुछ समझ में आ गया आपको? जी सर। डाउट इसमें? नो सर। अब बात करते हैं टॉप बॉटम्स की।
तो जो सिलेक्टेड सेल है हमारा दिख रहा है, इस सिलेक्टेड सेल में अगर कोई वैल्यू टॉप 10 है उसको हाईलाइट करना है, तो ये बॉटम में टॉप 10 सेलेक्ट करेंगे, जो भी टॉप पर 10 होगा, या फिर आप 10 को जगह पे आप यहाँ पे 15 कर सकते हैं, या यहाँ पे टॉप 50 कर सकते हैं, जो जो टॉप पर आएगा, मतलब कि जैसे कि सबसे हाईएस्ट 90 है, उसके बाद 88 है, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग एक के नीचे उतरते जाएगा और उसको हाईलाइट करेगा। अब 90 पांच बार आ गया तो पांचों को हाईलाइट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां आता है बॉटम 10% जो छोटा हो, टॉप 10% एंड बॉटम 10% परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है। तो आपको आगे फॉर्मूला सिखाऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। अबव एवरेज, किसी सिलेक्टेड सेल की जो वैल्यू है उसकी जो एवरेज है, जैसे इसकी एवरेज क्या है 51 है, किसी एवरेज से ऊपर हो, अबव एवरेज, तो ऑटोमेटिक वो एवरेज गेट करेगा, एवरेज से ऊपर वाले को हाईलाइट कर देगा। और बिलो एवरेज होता है जो उससे छोटा है उसको हाईलाइट कर देगा, जी सर। ऑटोमेटिक एवरेज कैलकुलेट करता है और ये एवरेज कैलकुलेट में बढ़ा, नंबर चेंज हुआ, एवरेज बढ़ा तो बढ़ा भी देगा और घटा तो घटा भी देगा, जी सर। राइट राइट सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए अब इसमें आगे, इसमें आता है डेटा बार। अब जैसे मान लीजिए कि 90 है या 86 है, इस पूरे कॉलम में कितना बार आया है और उसका पोजीशन क्या, मतलब कि वो टॉपर में है, बॉटम में, नमामी करेंगे, लगाना मुश्किल है। तो आप डेटा बार इस्तेमाल करते हैं, डेटा बार से ये पता लगा देता है कि क्या है इसका पोजीशन, राइट राइट सर। कलर स्केल, कलर स्केल में आपका स्केल जो है देता है कि ये क्या है, होता है लोअर को लोअर टू बॉटम, बॉटम टू लोअर कर देता है, लोअर को रेड और ग्रीन कर देता है, रेड ग्रीन। और एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो आप ये आप दे सकते हैं आइकन, आइकन में एग्जैक्ट ऑपर वाले को ऑपर दे दिया, मिडल को मिडल, लोअर को लोअर, ठीक है जी सर। कोई आइकन से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप क्या करें, इन सारे जो मैंने बताया, हाईलाइट सेल्स रूल्स हो गया, टॉप बटन हो गया, डेटा बार हो गया, कलर स्केल हो गया, आइकन सेट हो गया, इसको एक बार इस्तेमाल करके देखें। इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आज बताया है, कल हम इसका एडवांस कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी सर, जी सर, मिलते हैं कल सेम टाइम। यस मैम। सर आपको मेल किया था उसका डाउट। जी हाँ, मैं देख लेता हूँ आपकी मेल का डाउट। सर जैसे ये नीचे नहीं आ पा रहा था, ऑल्ट एंटर दबा के, क्या मतलब कॉलम सर ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो मतलब ये डिवाइड करके नीचे जैसे, हाँ जी सर, ये ऊपर की हेडिंग, हाँ तो इसको जगह चाहिए ना, आप इसको सिलेक्ट कर, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ रैप कर, आ गया इस पूरे को सिलेक्ट करके सर, कि आपने जो टाइप किया है वो एक सेल में टाइप, अगर यहाँ अगर इसको रैप करते, ऑल्ट एंटर नहीं होता, ऑल्ट एंटर टाइप करते समय किया जाता है, ये सर तब किया था हमने टाइप करते टाइम, ऑल्ट एंटर करूंगा तो अभी इसका यूज करूंगा, हाँ जी सर, इस पे क्लिक, इस पे मान लीजिए कि इस पे सेलेक्ट करके ऑल्ट एंटर करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा, टाइप करते समय जी सर, कर्सर को नीचे लाने के लिए, अगर मान लीजिए इसको आपने टाइप कर लिया है और उसको थोड़ा सा नीचे तोड़ना है तो आपको एक जगह देना पड़ेगा, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया, देखा आपने,
कि मैंने इसको मर्ज कर दिया, मर्ज करके सबको एक सेल बना दिया, देन ऊपर आपको रैप टेक्स्ट दिख रहा है जी सर, रैप टेक्स्ट जी सर, अब बोल सही, ठीक है सर। सर शीट वन सर, इसका भी फॉर्मेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आपने इसमें टेबल इस्तेमाल किया है यस सर, और आप यहाँ पे क्या, आप किसका व्यू को छोटा किए हुए, इसको पकड़ के इसको बड़ा कर सकते हैं ध्यान से, ठीक है 100% जी सर। सर एक चीज इसमें पूछनी है सर, ये जो इंडस्ट्री कोड प्लेस को इसको टेबल से हटा दीजिए, टेबल में इसको नहीं रखे, कन्वर्ट टू रेंज करता हूं, ठीक है ना जी सर, टेबल में नहीं होगा ये हटा दीजिए, बेटर है वगैरह अलग कर लीजिए इसको सिलेक्ट, जैसे ये देखिए आपका रैप नहीं है, यहाँ से इसको रैप कीजिए, देखिए इसको रैप कर दीजिए और इसको थोड़ा छोटा कीजिए जी सर, एक कॉलम भी आपका बहुत बड़ा है फालतू में, छोटा यस मैम, थैंक यू मैम जी सर, इस तरह से रैप कीजिए ओके जी सर, हाँ जी सर। सर ये जो 10 और 11 लिखा है ना इंडस्ट्री कोड में, सर ये 10-11 करना था, तो ये जब भी एंटर कर रहे तो ये डेट में कन्वर्ट हो रहा है जी हाँ, तो आपके लिए इसको सिंगल कोड लगाना होगा और 10-11 करना होगा, हाँ जी सर, सिंगल कोड है ना, सिंगल कोड टेक्स्ट लिख बताया था ना आपको मैंने, हाँ जी सर जी सर। शीट फोर में भी शायद यही मिस्टेक है जी हाँ, हाँ जी सर, डैश करेंगे तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ तो हाँ सिंगल कोड लगाइए और 10 डैश हो गया जी सर, मिलते हैं कल जी सर, थैंक यू सर।